पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं, क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं, राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का, नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार विधानसभा में हुई। कई दिनों के बाद हुई इस मुलाकात के बाद बिहार में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, कयासों का बाजार गर्म हो गया और ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन एक बार फिर बदलेगा, क्या एक बार फिर पलटी मारेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी ओर से सफाई दे दी है। जब जेपी नड्डा बिहार आए थे तब उसी वक्त नीतीश कुमार ने मंच से ये साफ कर दिया था कि उन्होंने राजद के साथ जाकर दो बार गलती कर दी है, अब वो ये गलती दोहराने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सवाल अब भी लगातार मीडिया में उठ रही है, सियासी गलियारों में उठ रही है। तो आज जब मीडिया कर्मियों ने मंत्री अशोक चौधरी से ये सवाल किया तो गजब भड़कते हुए नजर आए मंत्री अशोक चौधरी और वहां मौजूद मीडिया को ही झाड़ दिया और सवाल करने लगे कि क्या आपके पास कोई और काम नहीं है, क्या आपके पास कोई और सवाल, कोई और मुद्दा नहीं है? जब नीतीश कुमार ने सफाई दे दी है तो फिर बार बार इस बात को सामने लाने का, इस बात को उठाने का क्या मतलब है? किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी मीडिया पर भड़क रहे हैं पहले आप वो देखें। नहीं देखे हम ट्वीट, क्या ट्वीट किए हैं कि फिर से पलटे गए, झूठी कसमें खाए हैं। वो हम बयान को हमने बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि बार बार से नीतीश कुमार, आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं, क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं, राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का, नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात, वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी ने इस बार चुनाव लड़ा था, हालांकि हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो फिर सिंगापुर वापस लौट गई। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो बिहार की राजनीति में अक्सर एक्टिव नजर आती हैं और एक बार फिर उन्होंने बड़ा ट्वीट कर डाला था और नीतीश कुमार के वादों को झूठा बताया था, साफ कह दिया था कि एक बार फिर किसी ने झूठे वादे किए हैं। नीतीश कुमार पर सीधा निशाना था उनका और उनके इस ट्वीट को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया कि वो इन बातों को, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, उन्हें ये गंभीर मुद्दा नहीं समझते हैं। रोहिणी आचार्य पर निशाना साध रहे थे मंत्री अशोक चौधरी। तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा मीडिया पर कैसे भड़कते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। उनसे ये सवाल पहले भी पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार को लेकर जो कयासबाजी चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि नीतीश कुमार अपनी सफाई दे चुके हैं और आज भी मंत्री अशोक चौधरी यही कहते नजर आए। जेपी नड्डा पटना आए थे और उसी वक्त जब मंच पे नीतीश कुमार मौजूद थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी नीतीश कुमार ने यह सफाई दे दी थी कि वो दो बार राजद के साथ जाकर गलती कर चुके हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसी बात पर मंत्री अशोक चौधरी भड़के और कहा कि जब नीतीश कुमार अपनी सफाई दे चुके हैं तो बार बार इस सवाल को पूछने का क्या मतलब है? मीडिया पर भड़कते हुए पूछने लगे कि क्या आपके पास कोई और काम नहीं है, क्या आपके पास कोई और सवाल, कोई और मुद्दा नहीं है? जब नीतीश कुमार सफाई दे चुके हैं तो बार बार इस सवाल को पूछने का क्या मतलब है? किस तरीके से मीडिया को झाड़ते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी, हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए।